Today we're talking about parenting and parenting in these times. So I think I had the best opportunity and the best guest for this idea. And they were Rabia and Munib. They've been kind enough to be here. So thank you for coming, guys. Love you. And love you too. Thank you. So how are you, Munib and Rabia? We're good. Good? Good. बच्चे कहाँ हैं? बच्चे स्कूल में हैं अभी स्कूल में हैं अच्छा सो टेल मी जो मॉर्निंग रूटीन इज इट एज बैड एज इट इज इन एवरी हाउस होल्ड और क्या वो आराम से उठ जाते हैं स्कूल जाने के लिए इनिशियली इट वाज डिफिकल्ट एंड नाउ अब ये है कि थोड़ा सा मुझे भी प्रैक्टिस हो गई है एंड लाइक बिफोर वेकिंग देम अप आई टेक अ डीप ब्रेथ इन No, I'm not gonna lose my cool. So then I wake up in the morning. Okay. You also do that, okay? Yes. So I do that. No, it's easier now. Okay. So आप बच्चों को सुलाते हैं मैंने सुना है कभी-कभी. वो मुझे भी ऐसी उठाती है. So he's the third baby in the house. Yeah, of course. That's. No, I'm not the baby. I just you know because I work late, so sometimes I find it difficult. School के वक्त बच्चों के साथ उठ जाते हो. 75% of the time, not whole more. House wow. is up. We're like early birds, like all wow. up and happy and chirpy in the morning. So, then, अच्छा, and what happens at night when you sleep late? So, फिर भी बच्चों के साथ उठ जाते हो सुबह. बहुत late मैं वैसे नहीं सोता. मतलब, I've kind of grown old enough to realize कि pointlessly 4 बजे तक जागने का मुझे कोई तमगा नहीं मिलना. कि ये आप जागे थे जी, ये लें. आप 4 बजे तक जागे थे, ये लें. या आप सुबह 5 बजे तक जागे थे उसका आई थिंक आई रियलाइज दैट्स नॉट आई थिंक वी हैव बीन देयर डन दैट सो इट्स नॉट समथिंग दैट एंटाइसेस मी एनीमोर अच्छा सो रात की रूटीन आई ट्राई टू पुट देम टू बेड बाय 8 o'clock ओके जो कि मैं काफी सक्सेसफुल हो जाती हूँ वी स्टार्ट लाइक रैपिंग अप द डे बाय 6:30 यस द 2 hour रूटीन तो वो फिर मोस्टली जनरली लाइक 8 o'clock देयर ऑफ टू एंड ओके सो मेरे बच्चे तो जब भी सोने लगते हैं वो कहते हैं हाँ आई डोंट वांट टू स्लीप आई डोंट वांट टू वेक अप सुबह ये तान होती है रात की ये तान होती है कि हमने सोना नहीं है सुबह उठना नहीं है सो इज दैट द सेम In your house? मेरे बच्चों को I guess अब although they're like 3 and 5 5 years old and उनको अब ये पता चल गया कि माई माँ ना एक बहुत जनरल टाइप का वो तो उनको पता है कि अगर इसके साथ साथ रिजिस्ट करेंगे तो फायदा कुछ है नहीं सो आई गेस दे मेड पीस विद इट तो उनको पता होता है जब एक आवाज आई है तो इसका मतलब है हमने अब आगे से कहना है जी अच्छा ठीक है एंड आल्सो जनारा इज वेरी वेरी अप एंड अवेक इन द मॉर्निंग लाइक शी इज द फ्लैश ऑफ द हाउस के अच्छा जी उठना है शी स्टार्ट्स रनिंग लाइक शी इज टेकन आफ्टर मी आई एम लाइक दिस हैप्पी पर्सन इन द मॉर्निंग आई इवन व्हेन आई वाज इन कॉलेज एंड आई यूज्ड टू लिव इन डॉर्म So I was the first one to wake up और सारों को उठा रही होती थी and everybody hated me कि इसको क्या तकलीफ है सुबह सुबह इसको I think मुझे भी बचपन में सब लोग ये कहते थे कि तुम माँ क्यों हो सबकी एक why do you have to make everybody sleep and wake up what is your problem Please tell me both of you guys now let me run this show बताइए मसला क्या है आप लोगों को बचपन में किसी ने सोने नहीं दिया था क्या हुआ था नहीं जी हम कहते हैं कि हाँ। सुबह के आवर्स जो है ये इतनी रोशनी और उसको सनलाइट को क्यों मिल रही है ना आप करिए आपने मुझे उठा के आपको क्या आपको आई फील दैट एवरी पर्सन इज मोर प्रोडक्टिव इन द मॉर्निंग वैसे भी हमें बिल्ली बचाने की जरूरत है तो सनलाइट में जो जो काम हो सकते हैं वो काम करे बंदा सो रहा है वो भी तो काम है आई थिंक दिस नाइट स्लीप इज What makes the difference? Okay. Good for you. Achha, so okay. After having kids, what changed in your life? Everything. Okay, so what? Like us din hum log discuss kar rahe the, we don't even remember what it was like before the kids. Hum log kya karte the? Only when I look at the pictures, I see that we had a life before our kids. वो उसमें पता चला ओ ये हम ही हैं हाँ ये देखे हम रात के 12:30 बजे भी तैयार होना शुरू हो रहे थे एक जगह पे जाने के लिए टेल मी वन थिंग डू यू फील देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टुडेज टाइम किड्स व्हेन वी वर ग्रोइंग अप एंड नाउ द किड्स आर थिंकिंग डिफरेंटली देयर बिहेवियर्स आर डिफरेंट देयर आर मोर एक्सपोज्ड
लाइक हम जिस तरह कहते थे, हम अपने माँ बाप को कहते थे कि आप ओल्ड स्कूल हैं, आपको पता नहीं है, हमें पता है. अब हमारे बच्चे हमें वही बातें कह रहे हैं. बट डू यू रियली थिंक देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज रियली, और इज देयर नो चेंज एक्चुअली? देखो, पेरेंटिंग इट्स अ फिनोमेनन दैट्स बीन अराउंड फॉर फॉरएवर, राइट? सो मतलब हर बच्चे को यही लगता है कि उसका बाप या उसका उसके वालदैन एट सर्टन लेवल्स आर स्टैग्नेटिंग. हर बच्चे को लगता है, वेदर वो 3 साल का हो, वेदर वो 5 साल का हो, वेदर वो 15 साल का हो, ये तो होना ही होना है. सो आई डोंट थिंक इट्स नॉट, आई डोंट, आई बीन थिंकिंग अबाउट इट. सो इट्स नॉट रियली अ मैटर ऑफ हाउ मच इंटरनेट दीज गाइज हैव हैड. हम मुझे भी यही लगता था, मेरे पास तो इंटरनेट नहीं था. मेरे बड़े भाई को जो कि हुज ऑलमोस्ट लाइक अ फादर फिगर टू मी, उनको भी यही लगता था कि उनके वालिद साहब ऐसे हैं, जो कि मेरे ही वालिद साहब थे बट वो काफ़ी बूढ़े हो गए थे. बट सो मैंने सबसे ये पूछा कि भाई आप लोगों को ये लगता है, तो उनको यही लगता था कि हमारे वालदैन थोड़े से वो थे इसी तरह के, जस्ट बिकॉज वालदैन अपने एक्सपीरियंस से बच्चे को सिखाते हैं. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन द किड इज बॉर्न, आई वाज रीडिंग दिस, के व्हेन द किड इज बॉर्न ही और शी कम्स इन दिस वर्ल्ड विद नो इनहिबिशंस अबाउट हाउ मच यू नो अबाउट लाइफ. He or she wants to experience life completely on his or her own terms. I personally think they're already born with this, they're so technology savvy. Because 1.5 saal ka bachcha jo hai, I don't give my kids a lot of like this, these gadgets and everything. But I see a lot of kids, they're like 18 months and they're swiping through it and they're... So like they're inborn in it. So I think they're way ahead of us. And actually. I think, achha, dusri baat, Rabia, when you were growing up in those times, you have had very different experiences. You didn't have your parents and now your kids are growing up. Do you feel differently about so it? Mera jo attachment hai, it's way more. And then, you know, I have that thing that I want to spend like each day. I want to see them grow. I'm involved in what they're learning and what, like, you know, things they're everything. Experiencing. Like even like the minutest of things, I want to be involved. So, mera kuch ek next level dedication. I think, Munib, did you ever think you're going to be such a hands-on father? Did you ever picture knowing yourself? Knowing her, I think I was going to have. So that credit goes to you then. The credit all goes to her, man. Honestly speaking, कहना नहीं चाहिए बट आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ दिस वन. आई पर्सनली फील दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिलेशनशिप टू ग्रो विद ईच अदर, बिकॉज होता यह है कि अगर मेरा विजन और इसका विजन घर में सेम ना हो तो घर के अंदर आपको पता है कैसी कन्फ्यूजन होती है. You live through it sometimes. So and I feel कि हम लोग की the way I was brought up in a family of 7 and wo uske andar, you know, there was rampant ideologies running in the house. There were liberalism, there was feudalism, there was conservatism, and there was nothingism, lazyism to hyperism to bimariism to all of that stuff running rampant in the house. To find sort of one voice and sticking to that was very important for me, and my vision has to be aligned, and then it is very important for me to kind of align under her vision to be like, yeah, whatever, like what Janal saab ko salaam karna hai. When you, because you have to align as parents. Not just as parents, as for yourself as well, as a household. I think it's very important for your children, because like I said, mere ghar mein rampant tha, toh mere liye bahut important hai ki mere bachon ko na ek sound, ek vision, ek ideology mile ke yaar, achha, ye cheezein important hain, ye cheezein important nahi hain. Aur jo cheezein मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, वी डिस्कस के यार ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, वी शुड शेयर द सेम कल्चर एंड वट एवर इज इम्पॉर्टेंट टू हर, यू नो, आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं भी उसका इन्वॉल्व रहूँ और वो ही मैसेज मेरे थ्रू भी रहे. सो इट्स नॉट लाइक के शी इज सेइंग के सुबह जल्दी उठो और मैं कहूँ नहीं नहीं सोते रहो टाइप सिचुएशन. मैं भी उठने की कोशिश करता हूँ. सो इट्स एन अलाइनमेंट, ट्राई टू लिव बाय एग्जांपल. हां, अलाइनमेंट बड़ी जरूरी है. द एक्शंस दे ऑफ आवर अस एज पेरेंट्स आर समथिंग दैट दे रियली लुक एट एंड दे से कि हम क्या कर रहे हैं और हम कह क्या रहे हैं. अगर हम वही चीज कह रहे हैं जो हम कर रहे हैं तो फिर वो उस पे ज्यादा रिस्पांस भी देते हैं. एग्जैक्टली. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग थिंग एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम लोग एज कपल और एज पेरेंट्स आपस में सिंक घर का, फैमिली का एज अ यूनिट कोई भी चीज अचीव नहीं होती अनलेस
we are on the same page. You, as parents or heads of the family, are in sync, and then that message is conveyed through physical. Wo kuch achieve nahi hota, kar bahut sara kuch lete hain, accomplishments choti choti log individually kar sakte hain. Collectively, if you want to grow a responsible human being, yes, for later life, it is important for you to become that for yourself as well, as a unit. Okay, so I think that sums it up all. Parenting ka sabse important rule hai ki hum aapas mein sync mein rahe, which means we are happy together, we talk to each other, we share the problems that we are having, and we come and align on one level ke yaar acha ab hume aise chalna hai, this is what we both have to do. So thank you very much, and now we're going to take one more picture with them before we wrap up. Thank you taking a picture, guys, before we wrap up. Bye bye.